हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मशीनरी हब। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपके लिए नए नए बिजनेस आइडियाज़ लेकर आते हैं जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होते हैं। ऐसा ही हम एक नया बिजनेस समझने आए हैं दिनेश सर के पास। नमस्ते दिनेश सर, कैसे हैं? नमस्ते मैडम, मैं बिल्कुल बढ़िया। मैडम, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। आप अपने एक नए बिजनेस के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं, तो आप बताएंगे आज कौन सा नया बिजनेस है सर? जी मैडम, मैं पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश कुमार है और मेरी कंपनी का नाम मशीनरी हब है, जो कि दिल्ली में द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के पास है। मैडम, आज जो मैं बिजनेस के बारे में बताना चाहता हूँ, वो बिजनेस एक ऐसा यूनिक बिजनेस है जो कि हर घर में वो प्रोडक्ट यूज होता है। ऐसा प्रोडक्ट है जो आप जैसे घर में बर्तन मांजते हैं, बर्तन मांजने के टाइम पे आपको स्क्रबर की, जूने की जरूरत पड़ती है, तो डायरेक्टली आपको पता लग ही गया होगा मैं बात कर रहा हूँ जूना बिजनेस के बारे में, स्क्रबर बिजनेस के बारे में। और सर, जैसा कि हमें पता है कि स्क्रबर ऑलरेडी आपने वीडियोस उस पे बना रखी है मशीन्स पे, तो आज ऐसी कौन सा नया चीज आप उसमें बताना चाह रहे हो? मैडम, एक्चुअली आज मेरा जो मोटिव है वीडियो बनाने का, इन्फॉर्मेशन शेयर करने का, मैं एक ऐसी मशीन के बारे में आपके सामने इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ जो कि एक यूनिक मशीन है। आज तक आपने YouTube पे वो मशीन नहीं देखी होगी, अगर आपने देखी होगी वो डायरेक्ट सिर्फ हमारे चैनल पे देखी होगी, और वो कम रेट की मशीन है। वैसे तो हमारे पास अलग अलग मशीन है, मैं पहले अपनी सारी मशीनें दिखा देता हूँ और बाद में मैं किस यूनिक मशीन की बात कर रहा था मैं उसके बारे में अभी आपको बता दूंगा। अभी जो जैसे ये मशीन की अगर बात करें, जैसे ये मशीन है, ये हमारी मिनी छोटी मशीन होती है, मैनुअल मशीन होती है। ये मशीन ऐसे, ये हैंड लीवर से चलने वाली मशीन है, और इसमें भी हमारे पास और भी तरह की मैनुअल मशीनें होती हैं। मैनुअल मशीन जैसे 20,000 से स्टार्ट है, ये भी 20,000 से मशीन स्टार्ट है, लेकिन इसमें क्या है मैडम, ये एक हमारी बिल्कुल जो मशीन है ये एक जुगाड़ मशीन है। जुगाड़ मशीन इन द सेंस कहने का है कि ये मशीन सक्सेस नहीं है। बहुत कंपनियां इसको कोई 10,000 में बेचता है, कोई 15,000 रुपये में बेचता है, हमारी मशीन का रेट 20,000 है। उसके बाद भी मैं बता रहा हूँ कि ये एक जुगाड़ मशीन है, ये मशीन सक्सेस नहीं है। उसके बाद हमारे पास 20,000 रुपये में भी एक, हम जो खुद मशीन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, खुद अच्छी हैवी मशीन है, वो भी आप ले सकते हैं, वो अच्छी आपकी रनिंग मशीन होती है। हाँ सर, देखा है आपने बहुत, मतलब पहले जो वीडियोस बनाई है उसमें आपने उसका दिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल मैडम। उसके बाद जैसे मैडम ये जो मशीन होती है हमारी, ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन होती है जो कि एयर कंप्रेसर पे ये मशीन चलती है। ये हो गई, या जैसे ये भी मशीनें हमारी हो गई हैं, ये मशीन भी जो है हमारी सारी की सारी सेमी ऑटोमेटिक है, जो कि डबल साइड ऑपरेटेड ये मशीन होती है, एयर कंप्रेसर से चलती है। उसके बाद जैसे मशीनें ये हो गई मैडम, ये भी हमारी अलग अलग मशीनें होती हैं। ये जिस मशीन के बारे में मैं बात कर रहा था, ये मैडम आज मैं बात कर रहा था इन्हीं मशीनों के लिए, ये तीनों ही मिनी न्यूमेटिक मशीन होती हैं। इसमें क्या है, एयर कंप्रेसर से ही ये मशीनें चलती हैं और कम रेंज की मशीन होती है। जो जैसे कि ये मशीन है, ये मिनी न्यूमेटिक ही मशीन है, लेकिन ये मैनुअल मशीन है। मैनुअल में क्या, जैसे आपने एक तो मैनुअल होते हैं हैंड ऑपरेटेड मशीन, लेकिन ये मैनुअल कैसे है कि ये चलेगी तो मशीन के थ्रू, चलेगी तो एयर कंप्रेसर के थ्रू, लेकिन इसमें आपको हैंड से, अपने हाथ से प्रेशर देने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, अगर इसमें अगर आपको जैसे ये 35,000 की हमारी फाइनल मशीन होती है, 35,000 रुपए में एयर कंप्रेसर के साथ ये मशीन होती है, और दो डाई हम इसमें साथ में प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इस मशीन में क्या है कि जो डाई होती है, जैसे अगर हम डाई की बात करें, जैसे ये डाई है, इस डाई को क्या हमें ये मैनुअल यहाँ ऐसे रखनी पड़ती है, लेकिन इसी में ही हमारा क्या है कि हमने यही इसी में मशीन, जैसे ये मशीन है, ये हमारी, ये भी मिनी न्यूमेटिक मशीन है, लेकिन क्या है ये डिजाइन वाइज क्या है, फुल्ली पैक्ड मशीन है, और इसमें क्या है कि आपका ये ट्रॉली सिस्टम हमने दे दिया है। ट्रॉली सिस्टम से क्या है कि इजीली आप इसको अंदर बाहर कर सकते हैं। और इन मशीनों में एक और बात है मैडम, आप उस साइड से भी और उस साइड से भी, दोनों ही मशीनों में डबल साइड ये ऑपरेटेड मशीन होती है, उसमें जैसे ट्रॉली, डबल ट्रॉली चलेगी, और इसमें भी क्या है आप डबल प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसलिए क्या है कि कम रेंज की मशीन है और सबसे बेस्ट मशीन है, कम रेंज में आप ऑटोमेटिक मशीन, मतलब जैसे कस्टमर को अगर बड़ी मशीन लेने का बजट ना हो, बिल्कुल उसी रेंज में अगर अपना लेना हो मशीन, तो वो मिनी न्यूमेटिक ले सकता, बिल्कुल वो मिनी न्यूमेटिक ले सकता है मैडम, कम रेंज की। जैसे ये 35,000 की मशीन है, 35,000 रुपए में एयर कंप्रेसर और दो डाइया, ये हमारी 40,000 की मशीन है, 40,000 रुपए में हमारी फुल्ली कवर्ड मशीन है, प्लस इसमें ट्रॉली सिस्टम हमने दिया। ऐसे ही फिर एक ये भी यूनिक मशीन हमारी है, ये भी आपने अभी तक नहीं देखा होगा, ये हमारी मशीन अलग मॉडल से है, ये भी 35,000 रुपए की मशीन है, लेकिन इसमें 35 में हम साथ में ट्रॉली दे रहे हैं मैडम, ठीक है। उसके बाद जैसे अगर बात करें हम, ये देखिए हमारी, ये हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है,
ये जो वहां हमारी आ जाती है फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन, इसमें क्या है मैडम कि आपको क्या है डाई बार बार उठाने की जरूरत नहीं है, ना आपको हाथ से खिसकाने की जरूरत है। इस मशीन में ट्रॉली ऑटोमेटिक चलती है और डबल साइड ये ऑपरेटेड और प्रोडक्शन के हिसाब से बेस्ट मशीन है। इसमें हमारा प्रेशर नहीं लगता, मशीन अपने आप ट्रॉली को अंदर बाहर करता है, मतलब लेबर का वर्क इसमें बहुत कम हो जाता है, बहुत कम लेबर का वर्क हो जाता है, प्लस प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता मैडम। अब जैसे इसकी बात करें, ये हमारी हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक मशीन जैसे हमने पहले भी दी हुई है, 3-in-1 मशीन हमारे पास होती है, और ये भी हमारे पास जैसे ये मॉडल हमारे हाइड्रोलिक है, थोड़ा सा जिसको हाइड्रोलिक प्रोसेस चाहिए, थोड़ा सा हैवी प्रेशर में चाहिए, या 3-in-1 मशीन हाइड्रोलिक में चाहिए। जैसे 3-in-1 का मतलब है, पहले भी मैंने समझाया अब भी समझा रहा हूँ, 3-in-1 का जैसे आप उसमें पेपर प्लेट भी बना सकते हैं, आप उसमें स्लीपर कटिंग भी कर सकते हैं, और कोई भी आइटम की आप पैकिंग भी कर सकते हैं। तो ये चीज होती है मैडम इसमें। तो ये हमारे पास क्या है, अलग अलग ये मशीनें होती हैं। सर आपने मशीन्स तो हर वैरायटी की दिखा दी, हर रेंज की भी दिखा दी, कम से लेके ज्यादा तक की दिखा दी, पर एक चीज आपसे पूछें। बिल्कुल बताइए मैम। मशीन्स जो है ये स्क्रबर की, हमने देखा है यूट्यूब पे बहुत सारी कंपनीज ने ऑलरेडी डाल रखी है, आपने भी डाल रखी है। बिल्कुल मैडम। पर आपसे अगर मशीन ले तो कोई क्यों ले? बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन पूछा मैडम। देखिए सबसे पहले हमसे क्यों मशीन ले, क्योंकि पहली बात तो होती है मैडम ट्रस्ट की, और ट्रस्ट कैसे वो क्लाइंट करे। पहली बात तो ये क्या होता है कि हम कोई ट्रेडर नहीं है, जो भी ये सारी मशीनें मैंने आपको दिखाया मेरी अपनी खुद फैक्ट्री में बनती है, हम खुद मैन्युफैक्चरर हैं इन मशीनों के। अच्छा, मैन्युफैक्चरर। बिल्कुल मैडम, खुद मैन्युफैक्चरर हैं इन मशीनों के, और हम डायरेक्ट क्लाइंट को बोलते हैं कि अगर हम मैन्युफैक्चरर हैं तो ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो वो है। मैं डायरेक्ट बोलता हूँ कि आप आइए, पहले मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखिए, मेरा सारा पार्ट्स देखिए जो मैं यूज कर रहा हूँ मशीनों में। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको कंफर्टेबल लगता है, अगर आपको लग रहा है कि सही रेंज की मशीनें हम दे रहे हैं और अच्छी क्वालिटी हम दे रहे हैं, तो हमसे मशीन लीजिए। मतलब अगर आपके पास कोई आता है तो आप उसे अपनी मशीन, अपना फैक्ट्री दिखा सकते हो? बिल्कुल दिखा सकते हैं, हर एक चीज देख सकता है कि कैसा लोहा आप यूज कर रहे हो, क्या पार्ट्स आप यूज कर रहे हो। बिल्कुल मैडम, बनते हुए मशीन देख सकता हूं, हमें भी दिखा सकते हैं सर आप? बिल्कुल मैडम, चलिए मैं आपको है ना अपनी, पहले यही बात है कि मैं अपनी फैक्ट्री दिखा देता हूं, क्योंकि बहुत है कि जो वीडियोस तो बहुत डाल देते हैं लेकिन कोई मशीनें बनाने वाले कम है और बेचने वाले ज्यादा। तो पहले मैं आपको क्या हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको ये हमारी मशीन, जो यूनिक मशीन की जिसकी बात मैं कर रहा था, उसका मैं डेमो भी आपके सामने शेयर कर दूंगा मैडम। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही देखेंगे, उसके बाद हम अपना जो मशीन रहती है इसकी लाइव डेमो सेशन देखेंगे। और अभी जो है सामान आ रहा है इसका, आते ही हमारी मशीन सारी निकलने के लिए तैयार हो रही है। तो पहले तो जब मशीन बनाते तो पहले फ्रेम बनाते फिर उसके बाद? बिल्कुल सर, पहले आप पहले क्या हम बिल्कुल अच्छे से फ्रेम वगैरह बनाते हैं, पैकिंग वगैरह अच्छे से करते हैं, उसके बाद सारा क्या पेंट मार के फिर हम सारा सामान जो होता है वो सेट करते हैं सर, नहीं तो जो भी सामान लगा ये पूरा पेंट करके बेकार हो जाएगा। जी देखा साथियों, सर ने ए से लेकर जेड तक पूरी जानकारी दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे। हमने सर की फैक्ट्री देख ली है जिसमें कि हमने ये देखा कि कैसे मशीनें बनती हैं, कैसा लोहा यूज करते हैं, यानी इस बात का यकीन तो हमें हो गया है कि सर अपना जो ये मशीन है वो कहीं से ट्रेडिंग नहीं करते, खुद बनाते हैं। और अगर आप फिर भी आना चाहो, अपना ये फैक्ट्री वगैरह सामने से देखना चाहो, तो आप दिनेश सर के पास आके सीधा उनका फैक्ट्री भी देख सकते हो, ये भी देख सकते हो कि कौन कौन से पार्ट्स वो यूज कर रहे हैं, किस क्वालिटी का यूज कर रहे हैं, लोहा कैसा है कैसा नहीं है, ये सारी चीजें आप फेस टू फेस भी देख सकते हो। अब हम चलते हैं सीधा अपना एक लाइव डेमो सेशन के लिए, जो कि सर हमें अपना यूनिक मशीन बता रहे थे, तो इसी का हम लाइव डेमो देखेंगे। सर आप हमें अपना ये मशीन चला के दिखाएंगे? बिल्कुल मैडम, ये ऑलरेडी मैंने हीटिंग पे ये लगाई हुई है मशीन, ठीक है। मैं अभी आपको जो पैक करके दिखा रहा हूँ, मैं टूथब्रश
देखिए बोलते तो सभी हैं कि टूथब्रश पैक कर लो, टॉयज पैक कर लो, लेकिन कोई दिखाता नहीं है। लेकिन मैं आपको लाइव डेमो में दिखा रहा हूँ टूथब्रश पैक होते हुए। ये जैसे हमारी इसकी डाई होती है, ये ब्लिस्टर के बाद हमने ये सारे टूथब्रश रख दिए इसके अंदर। ये इसका आपका शीट होता है, टाइमर देख लीजिए 6 सेकंड हमने इसमें टाइम दिया हुआ है। इसमें आप अपना कपड़ा यूज कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म होता है। ये देखिए 6 सेकंड में टूथब्रश सारे पैक। बिल्कुल, आप इसका टाइम चाहो तो कम भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या हीटिंग हद से ज्यादा चाहिए होती है। लेकिन क्या है कि मैं हमेशा बोलता हूँ हीटिंग भी आप मीडियम रखो और टाइम भी थोड़ा सही से रखो। बहुत वीडियो देखे होंगे कोई बोलता है 2 सेकंड में 3 सेकंड में, मैं हमेशा बोलता हूँ टाइम 5 सेकंड 6 सेकंड रखो और अपना हीटिंग भी बिल्कुल ज्यादा मत करो, क्योंकि हीटर में भी प्रॉब्लम आ सकती है। ज्यादा हीट करोगे कभी ना कभी आपके हीटर भी जल जाएंगे। तो ये आपका देखिए टूथब्रश पैक हो गया। अगर आप इसको चाहो हिला के देखना तो ये देखिए हिला के भी आप देख सकते हैं इसके, ये इजिली अपना टूथब्रश इसमें पैक हो गया है। अभी मैडम ये मशीन का इजिली क्या है कि आप इसमें ट्रॉली सिस्टम से आप इसमें वर्क कर सकते हैं और यूनिक ये मॉडल हो गया है। ऐसा ही फिर एक ये मिनी न्यूमेटिक, जैसे ये वाली हमारी मशीन है मिनी न्यूमेटिक में, इसमें भी मैं आपको अलग आइटम कुछ पैक करके दिखा देता हूँ। स्क्रबर चाहिए आप स्क्रबर पैक कर लीजिए। इसमें भी अगर आपको चाहिए कि मसाले साथ में पैक करने, मैं इसमें आपको मसाला और टूथब्रश दोनों इकट्ठे पैक करके दिखा देता हूँ मैडम, ठीक है। अभी मैं इसको एक बार हीटिंग पे लगा देता हूँ, अभी पैक करके दिखा रहा हूँ, टूथब्रश पैक करके दिखा रहा हूँ। बहुत कंपनियां सिर्फ बोलती है कि टूथब्रश पैक हो जाता है, लेकिन मैं अभी आपका बेसिकली इसका लाइव डेमो दिखा रहा हूँ कि इसको कैसे पैक कर सकते हैं। ये देखिए ये इजीली है ट्रॉली सिस्टम से। हमने टाइमर 6 सेकंड का हमने इसमें टाइम रखा है। ये देखिए आप कोई भी कपड़ा वगैरह अपना रख सकते हैं ताकि ये गर्म होता थोड़ा सा। ये देखिए कहीं से भी ये उखड़ रहा नहीं है, ये देख लिए, ये मोड़ मोड़ के मैं दिखा रहा हूं, कहीं से भी ये निकल नहीं रहा है। ये देखिए झाड़ के भी दिखा देता हूं पूरा। ये देखिए ऐसे ही इसमें मैं अभी स्क्रबर भी आपको पैक करके दिखा देता हूं। अभी आपको फुल्ली ऑटोमेटिक का डेमो दिखा रहा हूं। ये ऑटोमेटिक ट्रॉली वाली मशीन है जो कि ऑटोमेटिक जाती है, हमें इसमें हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। अभी मैं ये एक साइड जो पैक करके दिखा रहा हूँ आपको, ये टूथब्रश पैक करके दिखा रहा हूँ, और जो दूसरी साइड मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मसाले पैक करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए ठीक है, अभी ये देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मशीन को, मैंने ये सब रख दिया है और ऑन कर दिया। अब ये ट्रॉली का जो टाइमिंग होता है उसी हिसाब से ये ऑटोमेटिक अंदर चली जाएगी। ये देखिए 7 सेकंड हमने रखा है इसका। गई उस साइड बाहर चली गई तो उस साइड दूसरे वाला रख दिया। ये देखिए ये इस साइड निकल गया और दूसरे वाला अंदर आ गया है। ये देखिए इस साइड निकल गया और दूसरे वाला अंदर आ गया। ये देखिए टूथब्रश, फ्रेंड्स आज हमने सर का फैक्ट्री भी देखा, मशीन का लाइव डेमोस्ट्रेशन भी देखा। अब हम जान लेते हैं रॉ मटेरियल के बारे में कि रॉ मटेरियल सर के पास कौन कौन सा मिलता है। मैडम रॉ मटेरियल जो है इस मशीन में जो पैक होता है
वो हर तरह का आइटम का रॉ मटेरियल जो है हमारे पास मिल जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आपका आइटम क्या है, किस किस टाइप का है। जो रेगुलर चल रहा है तो वो तो इजीली मिल ही जाएगा, लेकिन कई बार होता है कुछ ऐसा आपको प्रोडक्ट पैक करना होता है जिसका ब्लिस्टर मिलना मुश्किल होता है, थोड़ा सा डाई मिलनी मुश्किल होती है। उसी हिसाब से फिर आपको क्या है, हमें अपना प्रोडक्ट देना होगा। प्रोडक्ट का ब्लिस्टर मिलेगा डायरेक्टली, लेकिन उसकी भी एक क्या रहती है कि आपकी फॉर्मिंग डाई आपको बनवानी होती है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको सारा ये मिल जाएगा। अभी जैसे नॉर्मली अगर जो चलता है रेगुलर, जैसे अगर आपको टूथब्रश वगैरह चाहिए, टूथब्रश जैसे हमें हमारे पास सारे टूथब्रश अलग अलग वैरायटी में मिल जाएंगे। अगर आपको जैसे इसका ब्लिस्टर चाहिए, ब्लिस्टर इजीली मिल जाता है। जैसे अगर आपको इसकी शीट्स वगैरह चाहिए तो शीट्स वगैरह मिल जाती है, आप अपने ब्रांड नेम से भी छपवा सकते हैं इनको। ऐसे ही जैसे अगर आप इसमें स्क्रबर में अगर आप चाहो, स्क्रबर ब्लिस्टर हो गया, जैसे स्क्रबर हो गया आपका, या आपको शीट्स वगैरह अगर इसकी चाहिए तो जैसे ये शीट हो गई, ये सब आपको मिल जाएगा। ऐसे ही टूथब्रश की शीट वगैरह अलग अलग नाम से, सॉरी मसाले की शीट्स वगैरह अलग अलग नाम से आपको मिल जाएंगे। इनका जो ब्लिस्टर है, ब्लिस्टर आपको ईजिली हमारे पास मिल जाएगा। ये जैसे ब्लिस्टर है, ये हमारा ड्राई फ्रूट्स का ब्लिस्टर, जो 100 ग्राम का अगर आपको आइटम कोई पैक करना है तो उसका ये ब्लिस्टर है। उसका शीट्स और आपका डाई अगर चाहिए, डाई और अगर आपको ब्लिस्टर चाहिए, उसी हिसाब से हम आपको इजीली प्रोवाइड कर देंगे मैडम। सर आपके पास चलिए मटेरियल भी मिल जाएगा, मशीन भी मिल जाएगा, पर आपको पता है जैसे कि आजकल फ्रॉड कितना चल रहा है कि कस्टमर से पेमेंट भी ले लेते हैं और मशीन भी नहीं देते हैं। बिल्कुल। तो अगर कोई दूर बैठा इंसान है वो आप पे कैसे भरोसा कर सकता है इस चीज को लेकर? हाँ मैडम, ये आपने सही क्वेश्चन किया है कि ट्रस्ट कैसे करे, विश्वास कैसे करे। देखिए सबसे पहली बात तो ये है मैडम, कोई भी दूर बैठा बंदा है अगर अपनी मेहनत का पैसा लगा रहा, चाहे वो 20,000 रुपए की मशीन ले, ना करते भी उसका भी 40-50,000 रुपए लग जाता है। अगर कोई मेहनत का पैसा दे रहा, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ, कोई हमें ऑनलाइन ऑर्डर ना करे, डायरेक्टली मैं यही पॉइंट बोलता हूँ कि पहले वो क्या है, डायरेक्ट आ जाए। वो लोग सोचते हैं कि यार अगर हम जाएंगे टाइम वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा। देखिए हम क्या उनकी हेल्प कर सकते हैं कि अगर कोई हमारे पास आता है, दिल्ली में रुकने की प्रॉब्लम होती है, तो हम उनके लिए है ना एक दिन का यहाँ पे स्टे हमारी तरफ से हम उनको प्रोवाइड करते हैं। एक दिन का जो खाना होता है, जो उनका रहना होता है, वो हम अपनी तरफ से उनको फ्री प्रोवाइड कर देते हैं। ये सिर्फ इसलिए मैडम कि लोग आए, ट्रस्ट करे, देखे पहले अपनी आंखों से, देखे समझे। मैं डायरेक्ट बोलता हूँ मेरे पे ट्रस्ट मत करो, आप आओ पहले फैक्ट्री देखो, समझो, प्रोडक्ट देखो, मशीनें देखो। हैंड टू हैंड हमारे पास मशीन रेडी रहती है हमेशा, हम डायरेक्टली बोलते हैं एक हाथ से दे दूसरे हाथ से ले। इन केस अगर कई बार होता है कि हैंड टू हैंड मशीन नहीं भी रेडी होती है, तो क्लाइंट आने से पहले हमें डाउन पेमेंट 5,000-10,000 कुछ भी कर सकता है और हमें टाइम दे सकता है, जैसे 10 दिन के बाद आना, 12 दिन के बाद। उस हिसाब से हमारे पास रिमाइंड रहेगा कि उनकी मशीन रेडी रखनी है। क्लाइंट कोई भी आता है, मशीन सामने देखे, अगर लगता है कि यार मशीन देखने में अच्छी नहीं है या क्वालिटी में अच्छी नहीं है, तो जो उन्होंने 5,000-10,000 रुपये दिए हैं वो भी हम आपको रिटर्न कर देते हैं। लेकिन मेन पॉइंट जो है, हम यही बोलते हैं डायरेक्ट आए। इन केस अगर क्लाइंट नहीं आ सकते हैं, कई क्लाइंट होते हैं कि नहीं आ सकते, कईयों को नॉलेज नहीं हो सकते, तो दूसरा ऑप्शन भी है इसका। दूसरा ऑप्शन ये है मैडम कि अगर कोई उनका रिलेटिव होगा, आज के टाइम पे दिल्ली में सबके रिलेटिव मिल ही जाते हैं, 90% मोस्ट ऑफ द कि मिल ही जाते हैं, तो हम मैं डायरेक्टली बोलता हूँ अगर वो नहीं आ सकते, किसी रिलेटिव को भेज दें। भेजने से क्या है कि वो क्या सिर्फ एटलीस्ट मैं इसलिए ये चीज़ कह रहा हूँ कि पता लग जाएगा कि अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हमारी कंपनी या फैक्ट्री है भी या नहीं है, सिर्फ इतना ट्रस्ट तो बहुत होता है। तो डायरेक्ट है कि अगर नहीं आ सकते तो डायरेक्टली आप अपने रिलेटिव को भेज दीजिए। यहाँ तक मैडम हम हर किसी क्लाइंट को, अगर कोई भी हमारे पास आता है, विजिट करता है, एक दिन के लिए उनके रहने का, खाने पीने का हम प्रोवाइड करते हैं। हम डायरेक्टली बोलते हैं मैडम हम पे ट्रस्ट मत करो, कोई ऑनलाइन ऑर्डर मत करो, डायरेक्टली आओ, विजिट करो हमारी फैक्ट्री में, हमारे ऑफिस में आओ, समझो चीज़ों को और हमें ऑर्डर करके जाओ, या फिर हैंड टू हैंड भी मशीन हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। अरे वाह दोस्तों, कितनी अच्छी बात बोली सर ने कि उन पे डायरेक्टली ट्रस्ट ना करें, और यहाँ तक कि अगर आप विजिट भी कर रहे हो तो डायरेक्टली सर उनके रहने का खाने का भी देंगे। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल मैडम। चलिए दिनेश सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल मैडम, ओके, थैंक यू मैडम। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अपना ये जो इन्फॉर्मेशन सर से हमें मिली हो, इसके बारे में आपको सारी चीजें समझ आई हो। फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा बहुत और आपको अच्छा समझना है, इस मशीन में और क्या क्या पैक हो सकता है, कितना रेंज का आपको मिल जाएगा, तो जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं आप उन पर डायरेक्टली कॉल करके इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। बाकी के लिए अपना जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें भी मैं होप करूंगी कि आपके लिए एक नया बिजनेस आइडियाज लेकर आऊँ। थैंक यू।